स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति फिर से दोबारा आना शुरू। हेलो गाइस, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर, छात्रवृत्ति को लेकर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। जैसे कि आपको पता होगा, कई सारे छात्रों की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं, लेकिन बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल गई है। तो उसमें आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि छात्रवृत्ति अभी आना शुरू हो चुकी है, छात्रवृत्ति आना शुरू हो चुकी है। यहाँ से आप चेक करो अपने स्टेटस, आपकी भी क्या पता आ गई हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की पूरी अपडेट। देखो गाइस, यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे ये स्टेटस है आज का शो, यानी कि अभी कितनी डेट है, 21/4/2022, यानी कि आज जो है ये 21/4/2022 का है, यानी लेटेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वेरीफाइड हो चुका है, वेरीफाइड रिक्वायर्ड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी और वेरीफाइड बाई बैंक, यानी बैंक द्वारा उनको भेज दिया गया, वेरीफाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि कितनी स्कॉलरशिप इनकी इनकी आई है और क्या इनका स्टेटस हो रहा। अब यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, यहाँ पे लिखा क्या क्या लिखा, टोटल एकेडमिक अलाउंस एंड फीस एंड फी रिवर्समेंट 3500, यानी 3500, एंड पेड स्टेट शेयर 4800, यानी कि 4800। और उसके अलावा फिर यहाँ से लिखा है शेयर 3000, करंट शेयर 3000, फिर लिखा योर आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट, यानी जो आपका आधार जो अकाउंट में जो बैंक लिंक है, जो आधार लिंक है उसमें जो है बड़ौदा बैंक है, और एंड अकाउंट नंबर इतना इतना। कहने का मतलब यह है इनकी इतनी स्कॉलरशिप इनकी आ चुकी है, ठीक है। कितना देखो, 48,000 और 3500, 3000, इस तरीके से इनका स्टेटस शो हो रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें, वेरीफाइड रिक्वायर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी इनका दिखा रहा था, लेकिन अब इनके अकाउंट में पैसा आ चुका है। 21/4/2022 का ये अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा मैं आपको एक दो और दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये तो वही है, ठीक है, ये स्टेटस। और देखो यहाँ पे क्या लिखा, छाप तारीख 21/4/2022, यानी 21/4/2022 की यहाँ पे स्टेटस चेक किया गया है। यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन संख्या ये है, ठीक है, फ्रेश है, हमने इनको जो है थोड़ा जो है हाइट कर दिया है फॉर सिक्योरिटी रिजन पर्पज़ के। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें, कैटेगरी इनकी OBC है, ठीक है, और पाठ्यक्रम क्या है इनका, BSc स्टूडेंट है सेकंड ईयर के। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वेरीफाइड बाई बैंक 21/4/2022, यानी कहने का मतलब यह है अब भी आज और कल में भी यूपी स्कॉलरशिप का जो स्टेटस अपडेट हो रहा है, स्कॉलरशिप भी आ रही है वेरीफाइड बाई बैंक। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, तो बैंक से वेरीफाइड भी हो रहे हैं, फॉरवर्ड भी हो रहे हैं पैसा, और 1 से 2 इंस्टॉलमेंट भी आ रही है। तो आप लोग भी स्टेटस क्या करो, चेक करो। पहले मैं आपको बता दूँ स्टेटस कहाँ से चेक करना है, स्टेटस आप कहीं से भी चेक कर सकते हो, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको क्या करना है, वहाँ पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद इस तरीके से यहाँ से bestrozgar.com की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, फिर यहाँ से आपको कुछ अपडेट मिलेगी, जैसे कि यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस, और नीचे इस पर क्लिक नहीं करना है। उसके अलावा यहाँ से देखो क्या लिखा, इंपॉर्टेंट डेट्स 2022। अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्री मेट्रिक का अलग है, अंडरदन का अलग है, और जो है रिन्यूअल का अलग है। तो कहने का मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा, अगर आपको चेक करना है स्टेटस, मान लीजिए आपका प्री मेट्रिक है या फिर प्री मेट्रिक या फिर आपका अदर कुछ है, यहाँ पे मान लीजिए आपको प्री मेट्रिक पोस्ट मेट्रिक जो भी आपका पोस्ट मेट्रिक अदर देन इंटर का आपको चेक करना है। मान लीजिए आपने लॉगिन आपने फ्रेश किया है या फिर आपने रिन्यूअल, यानी अगर आपने फर्स्ट ईयर में डाला है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, रिन्यूअल वाला है तो रिन्यूअल पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आपको 3 से 4 ऑप्शन, जैसे कि यहाँ से आपका पाठ्यक्रम का प्रकार क्या है, अदर देन इंटर है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, अपना पासवर्ड डालने के बाद, कैप्चा डालने के बाद यहाँ से आपका स्टेटस शो हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है फिर से आप मुझसे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा कि स्टेटस जो स्कॉलरशिप आ रही है, जो छात्र की आ रही है, आपकी आ रही कि नहीं आ रही, तो आप लोग अपने स्टेटस फटाफट जाके चेक करो, क्योंकि अपडेट हो रहा है स्टेटस भी और स्कॉलरशिप भी बैंक में फॉरवर्ड की जा रही है, आ रही है। और अगर कोई डाउट आती है या फिर आपका कोई प्रॉब्लम है स्टेटस में, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम जो आईडी मेरी है इन्फोटेक एंड रिसर्च, इसी पे भेजना, 2 ID है लेकिन इस पे भेजना, इन्फोटेक एंड रिसर्च वाले पे। बाकी मैं आपका चेक करके बता दूंगा, ठीक है। आप लोग रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड भी दे सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करो। जो छात्रों की आ रही है वो भी आप देख सकते हैं, अगर आपकी आई है तो आप मुझे कमेंट में यस करें, नहीं आई तो नो करें।